हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी के लिए मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन है? ठीक है, तो आज इस टॉपिक पर मैं रीडिंग करूंगी। जानेंगे कि उनका प्यार सच्चा है, रियल है आपके लिए, या फिर और सिर्फ एक टाइम पास, एक अट्रैक्शन के लिए ही उन्होंने आपसे बात करी। ठीक है, तो आज सच्चाई का पता लगाएंगे गाइस। तो रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं और देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें और आपके लिए गाइडेंस भी लूंगी मैं और देखते हैं क्या आता है गाइस। एंजल आंसर्स भी जानेंगे, एंजल क्या बताएंगे, आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं या फिर अट्रैक्शन ही था बस, जस्ट एंड ओनली। चलिए देखते हैं क्या आता है गाइस। क्या सच में प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है? देख लेते हैं क्या आता है। चलिए एक कार्ड आ गया। वाव, पहला ही कार्ड देखिए डेविल का आया है। ओके, और देखते हैं, कैप्रिकॉन एनर्जी आई है। ओके गाइस, डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अर्थ साइन है यहाँ पर। पेज ऑफ कप, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। या अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। क्या चल रहा है इस पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू नाइट्स, चलिए टू कार्ड्स आ गए हैं, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। वर्ड ऑन द डेक है टू ऑफ वैंड्स। एक बार ट्रू लव ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, फिलहाल कहना मुश्किल है कि मतलब इनके जो फीलिंग्स है काफी मिक्स्ड है आपको लेकर। सच बताऊं तो मैं आपको, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, और प्यार अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन अभी अट्रैक्शन है एक दूसरे को। मतलब आपको तो प्यार है ऑब्वियसली, तभी आप इस वीडियो पर हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ज्यादा अभी आपको लेकर अट्रैक्शन है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ से कौन से कार्ड्स आते हैं। मैच्योरिटी, ओके, एक कार्ड आ गया है, वर्थीनेस, वर्थीनेस एंड मैच्योरिटी, ओके, दो कार्ड्स हैं, दोनों ले लेते हैं। इनर पीस एंड क्रिएटिविटी, चलिए अब वर्ड ऑन द डेक से भी देख लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन वर्ड ऑन द डेक से आया गाइस। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अभी आपके पार्टनर को ज्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे बात इसीलिए की क्योंकि आप इसको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगे। ये आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं क्योंकि आप इनको बहुत डिफरेंट लगते हैं, काफी यूनिक हैं आप इस पर्सन के लिए। आप जैसा पर्सन तो नहीं देखा, ठीक है, आप जैसा खूबसूरत पर्सन, इतना शांत स्वभाव वाला, ठीक है, ऐसा पर्सन इस पर्सन ने नहीं देखा। लेकिन इस पर्सन को अभी आपसे प्यार नहीं है। जितना प्यार आप इस पर्सन से करते हैं ना, उतना प्यार ही आपसे नहीं करते। इस पर्सन को आपको लेकर अभी बहुत हद तक अट्रैक्शन है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप इस पर्सन के दिमाग पर ना हैवी है, आपको भूल तो नहीं पा रहे हैं, ये बात तो यहाँ पर गारंटी है, ठीक है। अब ये पर्सन बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिवील नहीं हुआ कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी बातें अपने अंदर दबाए रखी है ना। इस पर्सन के दो मन होते हैं आपको लेकर, देखो तभी यहाँ पर ना टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया और यहाँ पर देखो टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया। इस पर्सन के दिमाग में ऐसे ही बस घूमती हैं बातें कि क्या करें, आप इसके दिमाग से निकल भी नहीं रहे हो या आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये करें क्या,
ठीक है, एक इनका मन करता है कि नहीं आपको ही चुनना है, लेकिन दूसरे टाइम इनका ये कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन बहुत सारी ये सारी बातें इस पर्सन ने अपने मन में दबाई हुई है। ये कनेक्शन इस पर्सन की लाइफ में बहुत चेंज लेकर आ रहा है, इसको स्पिरिचुअल लेवल पर मिच्योर कर रहा है, ठीक है, काफ़ी मिच्योरिटी आ रही है इस पर्सन को, इस पर्सन के अंदर, आपके अंदर भी आ रही है, ठीक है। लेकिन आप ऑलरेडी हील्ड हैं, आप इस पर्सन से स्पिरिचुअल लेवल में काफ़ी आगे हैं, आप बहुत आगे हैं, ठीक है। इस पर्सन को इस कनेक्शन से इनर पीस भी मिलता है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली देखो, आप दोनों का कनेक्शन तो स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे टू कपल्स हैं, सॉरी टू कपल कह रही हूँ, एक कपल है यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से क्रिएटिविटी है यहाँ पर, ये सोच रहे हैं, घूमना फिरना, पिकनिक करना, बिजनेस करना, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में है कि ये आपके साथ मिलकर कर सकते हैं। तो आपके लिए अभी अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन प्यार में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। क्योंकि डेफिनेटली एस ऑफ वैंड भी मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। अगर एस ऑफ कप्स होता तो मैं कहती यस, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। अभी ये आपसे प्यार उतना नहीं करते जितना आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है गाइस आपको लेकर, इसीलिए आपको भूल नहीं रहे हैं, ठीक है। खुद को डे बाय डे हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको तो बहुत अच्छा मानते ही हैं आप, हो सकता है अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को भी करना है, ये पर्सन देखो बहुत सोचते हैं आपके पास आने का, आपके पास आकर आपको प्रपोज करने का, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं ही यहाँ पर, ठीक है। प्रपोज करने के बारे में सोचते हैं, हो सकता है अच्छे घर से हैं, अच्छे घर, अच्छे अच्छा खान पान है इसका, लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है, लाइफस्टाइल में मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, घूमना फिरना, ये सब करते हैं ये पर्सन। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जब प्यार का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, प्यार के आगे फिर कोई कुछ नहीं देखता, छोट बड़ाई, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये कास्ट वो कास्ट, कुछ नहीं। अगर ये पर्सन अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि अभी उतना प्यार, देखो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर आपके पर्सन आपको बोलें कि आप मेरे लिए ये करिए, आप मेरे लिए अच्छा खाना बनाइए, या फिर आप मुझसे शादी कर लें, ठीक है, आप बिना शर्त के इनका कहना मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन आपको बोलेंगे आप रात को देर तक मुझसे बात करो, आप मना ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप उनके प्यार में हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा उनके लिए करना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपके पर्सन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं कर रहे, क्योंकि अभी उतना प्यार नहीं है जितना आप करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन में देखो पेज ऑफ कप का मतलब होता है चेंज आएगा, बदलेंगे ये खुद को। तो ये जो लस्ट है या अट्रैक्शन है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, आपको फेथ रखना पड़ेगा अपने कनेक्शन पर। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर तो मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है, अभी आपके बराबर का प्यार तो नहीं करते आपसे, लेकिन हाँ पैशन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए और भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या आता है, फिर एंजल आंसर्स भी देखेंगे, एंजल क्या बताएंगे। विजडम, ये पर्सन बहुत सोच समझ कर ही, काफी बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही एक्शन लेंगे ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं तो। न्यू बिगिनिंग एंड अथॉरिटी, कार्ड आ गया, पैशन इग्नाइट, अगेन एस ऑफ वैंड्स ही आ गया गाइस, अगेन एंड क्राउन चक्रा। मुझे लगता है कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन के माइंड में काफ़ी मेंटल कन्फ्लिक्ट है, इस पर्सन को अपनी लाइफ, ये खुद की लाइफ में फाइट कर रहे हैं, शायद इस पर्सन को कुछ हाई अथॉरिटी लेनी है, काफ़ी विजडम, काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी अचीवमेंट हासिल करनी है, इस वजह से शायद ये पर्सन अभी उतना आप पर फोकस नहीं कर रहे, या प्यार व्यार के चक्कर में इस पर्सन को नहीं पड़ना। लेकिन फिर भी क्या करें, दिल तो आप पर आया बैठा है, अट्रैक्शन तो है यहाँ पे, आपका ख्याल तो आता ही है। फिलहाल ये पर्सन अपने क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं ये पर्सन। और अभी इस पर्सन के माइंड में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, इसी वजह से ये अभी ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ इस पर्सन की तरफ से।
अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते तो सब कुछ ही स्मूथली चलता आपकी लाइफ में और आपको इस चैनल पर आने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ कमी है तभी तो ये पर्सन आप इस चैनल पर हैं। और सच टैरो में हमेशा सच आता है गाइज। इनवी देखो, इस पर्सन को जेलसी भी होती है अगर आप किसी और से बात करते हैं तो, ठीक है, काफ़ी जेलसी होती है इस पर्सन को, इस पर्सन को पसंद नहीं है। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हो ये पर्सन। द वर्ल्ड गाइज, आप इस पर्सन का वेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और स्पिरिट की हेल्प लीजिए, उनसे मैनिफेस्ट कीजिए, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए, इस कनेक्शन की सिचुएशन चेंज हो जाए। ठीक है, वाओ, केयरिंग कनेक्शन फाइनली। ये पर्सन केयर भी करते हैं आपकी, नो डाउट। इसको जेलसी भी अगर आप दूसरे आपसे बात करते हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आपने किसी से भी बात करी, अगर ये पर्सन नया है तो उस टाइम इस पर्सन को जेलसी होगी। ठीक है, आप ज़्यादा सोचिए मत इस पर्सन के बारे में, आप खुद में खुश रहिए और इस रिजल्ट को मिलने का वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है एट द एंड आपकी सारी ख्वाहिशें सब कुछ पूरी हो जाएंगी, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। चलिए अब एंजल के भी आंसर देख लेते हैं, एंजल क्या कहेंगी, क्या बताएंगे हमें, ठीक है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आप मेडिटेशन कीजिए, हो सकता है आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। नॉट द राइट टाइम, देखो ये पर्सन इसीलिए आपसे प्यार नहीं करते क्योंकि अभी राइट टाइम ही नहीं है, डिवाइन के अकॉर्डिंग भी अभी राइट टाइम नहीं है, और अपने प्रॉब्लम में भी फंसे हुए हैं ना ये पर्सन, इसी वजह से भी ऐसा हो रहा है। लेकिन डोंट वरी, जब आपके लिए अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन को प्यार में बदलने में जब सही समय होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सब, अगर आप बिलीव कर दें तो डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा, अभी तो राइट टाइम नहीं है। अभी आप अपने आप को जितना शांत रखोगे, पीस में रहोगे, उतना अच्छा है आपके लिए। अयर फ्रॉम नाउ, ओके, तो हो सकता है कि इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर तक, मतलब नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक हो जाए और आपको रिमेन पॉजिटिव रहना पड़ेगा। गॉड कह रहे हैं यस, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए अपनी लाइफ में, और अगर आप विश्वास करते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आप विश्वास से कहते हैं उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है, ठीक है, तो अगर आप विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, अच्छा चेंज आएगा। और चलिए एक बार ट्रू लव ओरेकल से एक कार्ड और निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए। चलिए ये वाला कार्ड आ गया है, वाओ, इंटीमेसी। देखो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। अभी इंटीमेसी का मतलब है कि आगे चलकर मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत इंटीमेट होने वाला है, बहुत डीप, बहुत स्ट्रांग, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, मुझे ये कार्ड बता रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों को ना एक दूसरे के बिना पीस नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा आपको, और ये पार्टनर खुद चलकर आपके पास आएंगे, ऐसा देख रही हूँ मैं यहाँ पर। बिल्कुल, एक कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं गाइस, देखते हैं, सिर्फ एक कार्ड मुझे यहाँ से भी लेना है साइकिक टैरोट से। ओके, देखते हैं, वाओ, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल यूनियन एंड इंटीमेसी। डेफिनेटली गाइस, आप रिमेन पॉजिटिव रहिए, देखो एंजल ने यस बोला है आपको, यस कहा है, अगर आप बिलीव करते हैं तो, ठीक है, आप बिल्कुल रिमेन, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है राइट टाइम पर, क्योंकि गॉड कह रहे हैं कि अभी स्पिरिचुअल यूनियन का राइट टाइम नहीं है, अभी इसीलिए आपके पार्टनर आपके लिए लव फील नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन ये राइट टाइम जल्दी ही आएगा। आई होप, मैं प्रेयर करूंगी आप सबके लिए जल्दी ही राइट टाइम आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ होएं, ये लव इन्जॉय करें और स्पिरिचुअल यूनियन में आ जाएं। मैं आप लोग सभी लोगों के लिए मैनिफेस्ट करूंगी, प्रेयर करूंगी, ठीक है, आप भी बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और बिलीव करिए कि यस, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।